नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस इंडिया थर्ड ओडीआई मैच हाइलाइट्स। श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत का विजय रथ रोका और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ आपको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं। श्रीलंका ने 27 साल बाद अपने घर में इतिहास रच दिया है। उन्होंने भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से हरा दिया है। ये मुकाबला 7 अगस्त को कोलंबो और आर प्रेमदास स्टेडियम में हुआ, जहां भारतीय टीम को 110 रनों से करारी हार मिली। मुख्य बातें, कुलदीप यादव का जादू नहीं चला। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम स्पिनरों के सामने कमजोर साबित हुई। कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन, विराट कोहली इस सीरीज में सिर्फ 58 रन बना सके, जो उनके कद के हिसाब से बेहद खराब है। गंभीर की पहली सीरीज में हार, नए कोच गौतम गंभीर अपनी पहली वनडे सीरीज में ही हार गए। टीम की स्पिनरों के खिलाफ कमजोरी उभर कर आई। श्रीलंका की ऐतिहासिक जीत, श्रीलंका ने 27 साल बाद अपने घर में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। आखिरी बार 1957 में अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में उन्होंने ये कारनामा किया था। भारत का पलड़ा भारी, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भारत का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमों के बीच 171 वनडे मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 99 जीते और श्रीलंका ने 59। मैच का अपडेट, पहले मैच में टाई, सीरीज का पहला मैच टाई हो गया था। दूसरे मैच में 32 रनों की हार, दूसरे मैच में भारतीय टीम को 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में रणनीतिक हार, तीसरे मैच में भारतीय टीम को 110 रनों से करारी शिकस्त मिली, जिससे सीरीज भी गवा दी। खास बातें, गौतम गंभीर की बेबसी, पूरी सीरीज में गंभीर डेगआउट में बेबस नाराज आए। कोहली की खराब फॉर्म, विराट कोहली से इस सीरीज में उम्मीदें थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने अपने घर में 27 साल बाद भारत को वनडे सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम के लिए ये सीरीज निराशाजनक रही, खासकर नए कोच गौतम गंभीर और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।